हाय, वेलकम बैक टू FSA एंटरटेनमेंट। मैं हूं कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जिसका नाम है गूगल डारा, और मैं आया हूं गुलजार भाई के घर के करीब। और गुलजार भाई, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार भाई, आपने लाए हो आपके फ्रेंड के वहां पर। जी, क्या नाम है इनका? मोहम्मद अशरफ। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। वालेकुम सलाम सर। अशरफ भाई, बहुत ही खूबसूरत जगह पे रहते हो आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल, शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम बहुत खूबसूरत जगह पे रहते हैं, तो माशाल्लाह। लेकिन एक बात हम कहेंगे आपको कि ये कुदरत ने तो इसको बिल्कुल नवाजा है अपनी कुदरत से, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया सर। रोड वो तो आपने देखा होगा, रोड तो ना के बराबर है सर। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे अगर 10 रुपया किराया है तो 20 रुपया लेते हैं गाड़ी वाले, क्योंकि रोड की वजह से। रोड खराब है, रोड ठीक नहीं है सर। रोड ठीक नहीं है और बिजली भी नहीं है। बिजली बिल्कुल भी नहीं रहती है हमारे, 24 घंटे में लगभग 6-7 घंटा बिजली है, वो भी 10-10-15 मिनट। और ठंड के मौसम में तो और बुरा हाल होता होगा, हीटर वीटर भी चालू नहीं कर पाएंगे। कांगड़ी ही आपका सहारा है, कांगड़ी की सहारा है, और 1 घंटा बिजली आती है, वो भी 10-10 मिनट। 10 मिनट आती है, 25 मिनट गायब जाती है। तो कोई अच्छा निज़ाम नहीं है, क्योंकि देखो सर, इतनी खूबसूरत जगह है, इतना मतलब ये है कि हम भी मतलब इंसानियत, इंसान तो हम मेंटेन भी है। नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल भी मेंटेन है, क्योंकि मैंने थोड़ा तो जब इलेक्शन में आते हैं लोग वोट मांगने, सर, वो तो हर एक को आप पता आके चले जाते हैं। अब तो पता, यहाँ पे गाना गाते हैं उनके लिए, औरतें निकलती है, गाना गाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन फिर तो आपको पता है भूल जाते हैं, फिर बिल्कुल भूल जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं होता है सर, उनका अपना फायदा होता है। चलिए, अभी हम इस वीडियो में बताएंगे आपका शौक, ये आपका कारोबार भी है। बिल्कुल, ये मेरा कारोबार भी है, क्योंकि खाली शौक इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि कारोबार भी जरूरी है, कारोबार भी और शौक जरूरी है कारोबार में बरकत आने के लिए। बचपन से भी मेरा ये शौक था, क्योंकि आज लगभग मुझे 10-12 साल हो गए हैं, 13 साल ये पालते हुए, भेड़ पालते हुए। बिल्कुल, मेरा एक यूनिट था, तो आप हम चल के बता। सर्दी के मौसम में हम थोड़ा कम रखते हैं इनको, लेकिन मौसम सरमा, मौसम गर्मा में हमारे पास बहुत भेड़ होते हैं, लगभग 50-60। अभी तकरीबन कितने हैं आपके पास? अभी तकरीबन 20 तक होंगे, 20 तक, लेकिन गर्मियों में 50-60 तक हो जाते हैं ये। चलिए बताते हैं, ये आपका भेड़ का सेटअप है? बिल्कुल, ये सेटअप है। तो अभी तो बिल्कुल, अभी तो हाल हाल में बर्फ उठा, तो अभी इसको पूरा ये मेंटेन नहीं किया। आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठा है? मेरा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे है। ये सिक्योरिटी गार्ड क्या नाम है इनका? इसका नाम है, इसको मैं यूजुअली टॉम कहता हूँ। हाँ, टॉम। बिल्कुल, टॉम गार्ड करता है आपकी भेड़ को। बिल्कुल, ये तो बहुत जबरदस्त, टॉम के पैर पे लग गया है कुछ। इसने शेर के साथ थोड़ा ये वो किया ना। किसके साथ? शेर के साथ, शेर आता है ना, लेपर्ड के साथ। बिल्कुल, अच्छा, इसने थोड़ा बहुत उसके साथ ये दबाली मचाई, तो इसको लगी वहाँ पे। तो लेपर्ड आपने देखे हैं यहाँ पे? भालू के साथ ये, अच्छा, भालू के साथ, भालू के साथ झगड़ता है। भालू तो बहुत हो गए यहाँ पे, इन्होंने एक वीडियो बताई है ना, भालू आ गया था। जी जी, भालू आते हैं, क्योंकि हमारा मक्की का ये होता है ना खेत, तो भालू आते हैं, इसके लिए हमको जरूरी रखना पड़ता है। तो अभी अभी ये जनाब जो है अपना भंडारा खोल रहे हैं, पिटारा खोल रहे हैं, अब सारी भेड़ निकलेंगी यहाँ से। अरे वंदे चलाइए, ये कौन सी नस्ल की है सारी की सारी? अरे एक ही सिंग वाला मिला मुझे। ये मेल है, फीमेल है, सब मिक्स है, मेल भी है, फीमेल भी है। सिंग वाले क्या है? सिंग ये वाले मेल है सर। ये अंडुल है, यानी मेल ही है, प्रॉपर ब्रीडिंग करते हैं क्या? आप वो चाप लगा देते हो, पंच करते हो, खस्सी बनाते हो? नहीं, खस्सी भी थोड़ा को बनाते हैं, लेकिन क्योंकि नजदीक आ गया, 5-6 तो हम रख नहीं पाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो हम ब्रीडिंग के लिए एक या दो रखते हैं। एक दो रहा। कौन सा ब्रीडर है अभी अपने पास? ब्रीडर है मेरे पास अभी ये वाला, ये वाला ब्रीडर है अपने ये पास। वाला है, लेकिन ज्यादातर हमारा ब्रीडर जरूरत पड़ता है कब? जब मतलब गर्मियों का मौसम आता है, तब ब्रीडिंग हो जाती है। ये तो उसके लिए ये कितना क्यूट है वो, 10-15 दिन का होगा। और ये कौन सी नस्ल की है? ये एक्चुअली जर्सी है, जर्सी है, ये जर्सी है, और मेरिनो थोड़ा बहुत इसमें मिक्स रहता है, जर्सी मेरिनो शीप मिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, और आपका कारोबार क्या है इसमें? ये क्या, ये कटने के लिए यहाँ पे आप? ये हम कुर्बानी के, कुर्बानी जब ईद होती है, ईद होती है, तो तब हमारे पास ये हंडू जो है, ये मेल जो है वो करीबन 20-25 रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, तो हम उसके इनका कारोबार करते हैं।
तो हम भी कमाते हैं। तो यहाँ पे कोई मंडी वगैरह लगती है? बिल्कुल, मंडी तो श्रीनगर में ऐसे ही। तो श्रीनगर जाते हैं? बिल्कुल, माल लेके जाते हैं श्रीनगर, और यहाँ भी लोग आते हैं। यहाँ फोन पे हम हमारे साथ रابطہ करते हैं लोग, और ये ऑनलाइन खिलाते क्या हो आप? खिलाते हम इनको है, देखो एक कशु होता है। मैं अंदर का बताऊँ थोड़ा? ये आपका टॉम अटैक तो नहीं करेगा? नहीं टॉम, टॉम चुप चुप। तो ये है इनका, अंदर एक बैल भी है आपके पास? जी जी जी, ठीक है। चलिए मैं पीछे आ जाता हूँ, टॉम अटैक कर डालेगा नहीं तो, ठीक है। क्या खिलाते हो आप, क्या खिलाते हो? बोल रहे हैं इनको, एक तो हम घास खिलाते हैं इनको यूजुअली, मतलब जो यहाँ पे रहता है गार्डन में होता है घास, या हमारा खेत में होता है। आइए हम बाहर चल के थोड़ा बात करें, सीन भी बता दे, क्योंकि वहाँ से कैमरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना सुंदर है वो जगह। तो आप चराने लेके जाते हो खेतों में? ये जो हमारे खेत है, हाँ, इसमें हमने बीज बुआ है जी। इसको हम जो ओट्स होता है ना, ओट्स का घास हम उगाते हैं। हाँ, हाँ, ओट्स का घास इनको अच्छा भी लगता है और खाते भी है ये जबरदस्त। शौक से खाते हैं? बिल्कुल शौक से खाते हैं, और ज्यादातर तो ओट्स का घास खाते हैं। और बाकी तो जो गार्डन वार्डन में यहाँ हमारा घास होता है, या ये होते हैं, ये जो मतलब रखे होते हैं इनके, इनमें घास आता है, तो ये घास हम काटते हैं फिर हम इनको खिलाते हैं। तो और इसमें हम क्या करते हैं इनको, एक तो हम इनको गुंदम खिलाते हैं, थोड़ा सा गुंदम, और मक्की का वो पीस के वो छोड़ थोड़ा मोटा मोटा दाना हम करते हैं, तो वो देते हैं, और कशु देते हैं मिक्स। ओके, बिल्कुल। ये हम अभी इसमें, और इनका जो ऊल जो है वो कुछ काम आता है? वो बिल्कुल काम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर एक साल से उनका उसका रेट बिल्कुल मतलब बॉटम पे आ गया है। अच्छा, क्योंकि हमारा तो बिजनेस था यही, क्योंकि वूल शूल और हम इनको बेचते थे तो अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी वूल का क्या रेट चल रहा है? उनका तो इससे पहले तो 80 रुपीज तक जाता था किलो, यहाँ पे 80-90, लेकिन आज बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे क्योंकि आज 25-26 रुपए हमको इतना कम हो गया बिल्कुल लॉकडाउन के बाद। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, तो बहुत मतलब इसमें हमारा नुकसान होता है। अल्लाह आसान करे, लॉस बहुत होता है। तो अब बिल्कुल ऊपर वाले के हाथ में है, अब इसलिए क्या करेंगे। आपको पता है सर, यहाँ तो गरीब आवाम है, यहाँ कोई मतलब इतना इतनी तो इंडस्ट्रीज नहीं है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी आपको फिर आपने खुद देखा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया है सर, ऐसा हम कहेंगे तो कुछ भी नहीं किया है। हम भी इंसान हैं, तो हमें भी कुछ मतलब, जब आप सिटी में जाते हैं या जब आप मतलब टंगमर्ग में आप देखते हैं कितना मतलब ये है, और टंगमर्ग का नाम, गुलमर्ग का नाम तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन ये भी टंगमर्ग का है, एक प्यारा सा गांव है। इधर तो कुछ ये भी गुलमर्ग के काफी करीब है, ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हो ऊपर गुलमर्ग से, आपको मैं बढ़िया 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 प्लेसेस यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ सर। इतनी बढ़िया प्लेसेस यहाँ पे है कि आप गुलमर्ग भूल जाएंगे। अच्छा, लेकिन वही मैं फिर से कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली कोई मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वेरी सैड टू सी दैट। तो फिर भी हम मतलब ये रखते हैं कि उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह कम से कम तो हमारे रोड्स तो ठीक हो जाएंगे, और ये बिजली का हमारा मसला हल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपकी वसादत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शौक कायम रखिए।